हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वरुण सिंह और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डाउट डिस्ट्रॉयर क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, पॉलिटी के अंदर हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन मेड इजी का सीरीज चल रहा है, तो एक नया सीरीज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म हम लोग डेली सुनते आते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते आते हैं, लेकिन हमारी समझ उतनी नहीं होती कि उन टर्म्स को हम लोग समझ पाएँ। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा नया सीरीज होगा, उसमें हम लोग कम से कम 500 से 600 ऐसे टर्म्स को आप लोगों के सामने लाएंगे, उसको समझाएंगे, ठीक है। और उन टर्म को समझने के बाद आपकी डे टू डे लाइफ में जो इकोनॉमिक्स टर्म्स आते हैं न्यूज़ में या पेपर्स में, उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, ठीक है, हर चैप्टर से कुछ टर्म्स निकाले हैं और उस टर्म्स को फिर हम लोग समझेंगे। तो मैंने जो पहला चैप्टर लिया है वो बैंकिंग लिया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टर्म, यानी बैंकिंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसको पहले चैप्टर में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, जैसे शेयर मार्केट के अंदर कौन कौन से इकोनॉमिक टर्म्स हैं, फिजिकल पॉलिसी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो सारे टर्म्स को हम लोग जानेंगे इस लेक्चर के दौरान, इस सीरीज़ के दौरान, ठीक है। तो जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंकिंग के इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और हम लोग रोज़ाना सिर्फ 3 टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा टर्म्स नहीं पढ़ेंगे एक दिन में, सिर्फ 3 टर्म्स ही पढ़ेंगे, और 3 टर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि सारी कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। तो आज हम लोग का जो पहला टर्म है वो है TDTL का कंसेप्ट, TDTL का कंसेप्ट। अब TDTL का फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेते हैं, दिस इज टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। लेकिन TDTL के कंसेप्ट को समझने से पहले हमको थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए बैंकिंग के बारे में, तो आइए समझते हैं फिर। सपोज कीजिए दिस इज अ बैंक, कोई भी बैंक ले लेते हैं, दिस इज अ बैंक, सपोज SBI, ठीक है, ये SBI बैंक। नाउ बैंक काम क्या करते हैं, इंटरमीडियरीज का काम करती है, ठीक है, बोरोवर और डिपॉजिटर के बीच, ठीक है। तो यहाँ बैंक के अंदर डिपॉजिट्स आते हैं, क्या आते हैं, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है। और उस डिपॉजिट को बाद में बैंक क्या कर देता है, बोरोवर को लेंड कर देता है, किस फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, ठीक है। ना जो डिपॉजिट्स आते हैं बैंक में, वो दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं जनरली, ठीक है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स, और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। नाउ डिमांड डिपॉजिट्स भी दो तरह के होते हैं जनरली, एक जो करेंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट्स आते हैं और एक जो सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है। टाइम डिपॉजिट्स के अंदर भी जनरली दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक रिकरिंग डिपॉजिट्स और एक फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स डिपॉजिट। तो इस तरह के डिपॉजिट्स बैंक के अंदर आते हैं। डिमांड डिपॉजिट कहने का मतलब क्या है, जब भी पब्लिक ऐसे डिपॉजिट को डिमांड करती है, बैंक को वापस करना पड़ता है। जैसे करेंट अकाउंट के अंदर आकर अगर आपका पैसा है तो आप जब चाहिएगा बैंक में जाके डिमांड कर सकते हैं अपने पैसे को। उसी तरह सेविंग अकाउंट में आपका अगर पैसा है तो आप बैंक के अंदर जाएंगे और अपना पैसा डिमांड करेंगे तो बैंक आपको तुरंत वो पैसा वापस करेगी। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट्स होता है ना, वो एक फिक्स टर्म के लिए होता है, जैसे 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया। रिकरिंग डिपॉजिट हम लोग 10 साल तक चला रहे हैं, 5 साल तक चला रहे हैं, तो उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसी के बाद आप उस पैसे को वापस निकाल सकते हैं। तो एक टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास वो पैसा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और डिमांड डिपॉजिट की तरह आप जब बैंक जाइएगा तो डिमांड नहीं कर सकते हैं जब तक कि मैच्योरिटी पूरी ना हो जाए, जब तक कि टर्म पूरी ना हो जाए तब तक आप डिमांड नहीं कर सकते अपने पैसे को, क्लियर है। तो इस तरह का डिपॉजिट्स आता है किसके पास, बैंक के पास। नाउ यहाँ क्या बोल रहा है, टोटल डिमांड एंड टाइम। तो डिमांड कहने का मतलब ये डिमांड डिपॉजिट, और टाइम कहने का मतलब ये टाइम डिपॉजिट्स,
ठीक है। नाउ यहाँ एक बात बोल रहा है लाइबिलिटीज़। नाउ बैंक के लिए लाइबिलिटीज़ क्या होती है? देखिए, डिपॉजिट जो होती है बैंक के लिए वो लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। जो बैंक के अंदर डिपॉजिट्स आती हैं वो बैंक के लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ क्यों बन जाती है? सपोज़ कीजिए कि मैं एक बैंक हूँ, आप लोगों ने पैसा लाया और मेरे पास जमा कर दिया, ठीक है। अब मेरा ये दायित्व है कि आप लोग जब पैसा मांगेंगे तो उस पैसे को हमको वापस करना पड़ेगा आप लोगों को, तो वो मेरे लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है कि जब भी कस्टमर आएगा, ठीक है, और पैसा का डिमांड करेगा तो हमको उसको पैसा वापस करना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गई। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या बन जाता है? डिपॉजिट्स। बट लोन क्या बन जाता है बैंक के लिए? लोन बन जाता है एसेट। लोन क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है, पूंजी बन जाता है, ठीक है, एसेट जो उसको पैसा कमा के देता है, ठीक है। नाउ यहाँ हम बात किए किसके बारे में? बैंक के बारे में। बैंक के लिए डिपॉजिट्स क्या है? लाइबिलिटीज है, एंड लोन्स आर द एसेट। नाउ अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल के लिए लोन क्या है? लाइबिलिटीज है। इंडिविजुअल के लिए लोन क्या बन जाता है? लाइबिलिटी। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो ये मेरा लाइबिलिटी बनता है ना कि हम उसको वापस चुकाएं, तो लोन मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लेकिन वही बैंक के लिए लोन क्या है? एसेट है। इंडिविजुअल के लिए डिपॉजिट क्या है? एसेट है, क्योंकि डिपॉजिट पे उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, यानी डिपॉजिट उसको पैसा कमा के दे रहा है। जो बैंक के अंदर हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पैसे से हमारी कमाई होती है, दैट्स वाई द डिपॉजिट आर द एसेट फॉर द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए डिपॉजिट क्या है? एक एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। तो समझ में आया? तो टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कहने का मतलब जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स हैं वो क्या है? बैंक की लाइबिलिटीज। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट और टोटल टाइम डिपॉजिट दोनों मिला के वो लाइबिलिटीज बनती है बैंक की, ठीक है। तो ये कहलाता है, ये कंसेप्ट है क्या? टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का, ठीक है। नाउ अब सपोज करते हैं कि एक बैंक है SBI, फिर से ले लेते हैं SBI, जिसके पास डिमांड डिपॉजिट्स यानी सेविंग अकाउंट के अंदर और करेंट अकाउंट के अंदर, अगर मान लेते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर 1,000 करोड़ रुपया है और करेंट अकाउंट के अंदर 2,000 करोड़ रुपया है, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट्स अगर मान लें, फिक्स डिपॉजिट उसके पास है 5,000 करोड़ रुपया और रेकरिंग डिपॉजिट के द्वारा उसके पास पैसा जो अभी है वो 3,000 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो यहाँ TDTL क्या हो जाएगा SBI के पास? ये सारे को अगर जोड़ देंगे तो निकल के आएगा क्या? TDTL 1, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 9, 10, 11, यानी 11,000 करोड़ रुपया SBI का क्या है? TDTL, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो टोटल एंड डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का जो कंसेप्ट है वो आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, जो यहीं से बेसिकली निकल के आता है, जो है NDTL का कंसेप्ट। क्या है? NDTL का कंसेप्ट, NDTL। अब NDTL का कंसेप्ट क्या बोलता है? पहले इसको फुल फॉर्म जानते हैं। NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक। अब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या होता है इसको समझते हैं। NDTL इक्वल्स टू TDTL माइनस बैंक डिपॉजिट्स माइनस बैंक डिपॉजिट, बैंक्स डिपॉजिट्स विथ अदर बैंक्स। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर NDTL निकालना है हमको, जो 11,000 करोड़ रुपया था एग्जाम्पल में जब हम लोग लिए थे, तो 11,000 करोड़ रुपया क्या आया था? TDTL आया था। किसका? SBI बैंक का। TDTL कितना आया था?
11,000 करोड़ रुपया। अब इसमें से हमको NDTL निकालना है, ठीक है। तो हम लोग, मैंने क्या बताया अभी कि बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स आता है उसमें से कुछ पैसा बैंक क्या करता है, लोन के फॉर्म में घुमाता है। मान लेते हैं एक बैंक है, छोटी सी बैंक ले लेते हैं, मान लीजिए कि कॉरपोरेशन बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, इसके पास जो TDTL है वो है सपोज करते हैं 5,000 करोड़ रुपया, ठीक है। टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कितना है, 5,000 करोड़ रुपया है, किसके पास, कॉरपोरेशन बैंक के पास। नाउ अब कॉरपोरेशन बैंक करेगी क्या, इसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस फॉर्म में घुमाना चाहेगी, लोन के फॉर्म में, क्योंकि लोन एक बैंक के लिए क्या होता है, एसेट, जो उसको पैसा कमा के देगा। मान लेते हैं चूंकि छोटी बैंक है, ठीक है, चूंकि छोटी बैंक है तो इसके पास लोन का डिमांड उतना ज़्यादा है नहीं, तो ये तो हुआ क्या कि 4,000 करोड़ रुपया ही लोन के फॉर्म में घुमा और 1,000 करोड़ रुपया इसके पास आइडियल बचा हुआ है। 1,000 करोड़ रुपया क्या हुआ है, आइडियल बचा हुआ है। अब ये जो 4,000 करोड़ रुपया है जो लोन के फॉर्म में घूम रहा है, ठीक है, उससे उनको, वह तो इंटरेस्ट कमा लेंगे, वो उनके लिए एसेट होगा जहाँ से वो पैसा कमाएंगे, लेकिन बैंक के अंदर जो 1,000 करोड़ रुपया जो बचा हुआ है वो आइडल पड़ा हुआ है, वो तो उनके लिए एसेट नहीं बना, तो वहाँ से वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इस केस में क्या करती है बैंक, ये जो बचा हुआ पैसा है वो डिपॉजिट कर देती है किसी बड़े बैंक में, ठीक है, अदर बैंक में जहाँ लोन का डिमांड ज़्यादा है। सपोज़ कीजिए SBI के अंदर डिपॉजिट कर दी 1,000 करोड़ रुपया। तो ये 1,000 करोड़ रुपया जो डिपॉजिट हुआ है SBI बैंक में, किसका, कॉरपोरेशन बैंक का, तो SBI बैंक इस 1,000 करोड़ रुपये पे कॉरपोरेशन बैंक को कुछ इंटरेस्ट देगी, तो ये 1,000 करोड़ रुपया भी उसके लिए क्या बन गया, एक एसेट बन गया, और यहाँ से भी फिर कॉरपोरेशन बैंक पैसा कमा सकता है। लेकिन ये जो पैसा डिपॉजिट हुआ है SBI के पास वो SBI के लिए क्या है, क्या है, लाइबिलिटीज़ है, और कैनरा बैंक के लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। तो केनरा बैंक के लिए ये 1,000 करोड़ रुपया एसेट बन गया और SBI बैंक के लिए 1,000 करोड़ रुपया लाइबिलिटीज बन गया। और ये क्या है, कैसा डिपॉजिट है SBI में, कॉरपोरेशन बैंक का डिमांड डिपॉजिट है, यानी जब भी डिमांड करेगा 1,000 करोड़ रुपया का तो SBI क्या करेगी, उसको देगी, ठीक है। तो ये 1,000 करोड़ रुपया है ना, वो बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं है, रिस्क पे नहीं है, लेकिन ये जो 4,000 करोड़ रुपया लोन में घूम रहा है हो सकता है कि वो रिस्क पे हो, ठीक है। इसलिए हम इस पैसे को माइनस कर देते हैं टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज से, इस पैसे को जो अदर बैंक में कोई बैंक पैसा जमा कर देती है बचे हुए पैसे को, उसको जब हम माइनस कर देते हैं TDTL से तो निकल के आता है क्या, NDTL, यानी TDTL कितना था, 5,000 करोड़ रुपया, उसमें से हम माइनस कितना करेंगे, 1,000 करोड़ रुपया जो वो SBI बैंक में जमा किया था, कौन, कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। उसके बाद जो पैसा निकल के आएगा यानी 4,000 करोड़ रुपया, वो क्या कहलाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, यानी ये 4,000 करोड़ रुपया ही तो लाइबिलिटी है अब किसके लिए, कॉरपोरेशन बैंक के लिए, क्योंकि 1,000 करोड़ रुपया तो SBI के पास जमा है, वो जब चाहे तब मांग लेगी, तो वो तो लाइबिलिटी नहीं बनी, उसके लिए एसेट बन गई है, और ये 4,000 करोड़ रुपया क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। जो डिपॉजिट आया है कॉरपोरेशन बैंक के पास 4,000 करोड़ रुपया, वो लोन की फॉर्म में घूम रहा है, अगर डिपॉजिटर अपना पैसा मांगेंगे तो बैंक को तो वापस करना है, तो उसके लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया। लेकिन 1,000 करोड़ रुपया जो SBI में जमा की है वो SBI के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन कॉरपोरेशन बैंक के लिए क्या है, वो एसेट है। इसलिए नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जब हम निकालते हैं तो उस पैसे को हम लोग माइनस कर देते हैं जो एक बैंक दूसरे बैंक में जमा की है। तो ये है NDTL का कंसेप्ट, क्लियर है ना। अगला कंसेप्ट देखते हैं, जो हम लोग का लास्ट कंसेप्ट है आज का, वो है CRR का कंसेप्ट, CRR फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अब होता क्या है कैश रिजर्व रेशियो, देखिए हमारे कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री के अंदर होती है एक सेंट्रल बैंक, तो हमारे कंट्री के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, RBI, ठीक है। और ये सारे बैंक को क्या करती है, रेगुलेट करती है, सारे बैंक को रेगुलेट करती है, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक को क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है।
अब रेगुलेशन का काम कौन कर रहा है? आरबीआई, ठीक है, वो सेंट्रल बैंक है, तो सारे बैंकों को रेगुलेट करती है ताकि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को बचा के रखता है। तो रेगुलेशन का काम किसका है? आरबीआई का। तो आरबीआई एक परसेंटेज फिक्स करती है, एक परसेंटेज फिक्स करती है जो हर बैंक को आरबीआई के अंदर जमा करना पड़ता है फोर्टनाइटली, ठीक है। जैसे अभी मान लेते हैं 4% है, क्या सीआरआर, सीआरआर 4% है, कहने का मतलब क्या है? हर बैंक जो देश के अंदर बैंक्स है जो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, जिन सारे बैंकों को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, उस बैंक के लिए एक नॉर्म्स है कि उसको सीआरआर के फॉर्म में जो जितना परसेंट होगा, 4% हो, 3% हो, 3.5% हो, उतना पैसा एनडीटीएल का, एनडीटीएल में से उतना पैसा निकाल के कहाँ जमा करना पड़ेगा? कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास। यानी ये जो पैसा जमा होगा आरबीआई में वो सिर्फ कैश के फॉर्म में होना चाहिए, अदर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में हम जमा नहीं कर सकते, जब भी सीआरआर जमा करेगी कोई बैंक आरबीआई के अंदर तो वो कैश के फॉर्म में होगा। और एनडीटीएल का 4% होगा, ये सपोज एग्जांपल से लेके समझते हैं। नाउ किसी बैंक का अगर एनडीटीएल, एनडीटीएल अगर 100 करोड़ रुपया है, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपया है, तो सीआरआर उसको कितना जमा करना पड़ेगा आरबीआई के अंदर? तो सीआरआर कितना है, मान लेते हैं 4% है, तो 4% निकालेंगे किसका, 100 करोड़ का, तो 4 करोड़ रुपया उसको सीआरआर के फॉर्म में जमा करना पड़ेगा, तो बचेगा उसके पास कितना, 96 करोड़ रुपया, और इसी को वो फिर लोन में घुमा सकती है। तो सीआरआर वो पैसा है जो आरबीआई फिक्स करती है कुछ परसेंटेज हर बैंक के लिए, और बैंक को उस पैसे को कहाँ डिपॉजिट करना पड़ता है, आरबीआई के अंदर, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। अब सीआरआर का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, अब सीआरआर जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। देखिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन्फ्लेशन को फाइट करने में सीआरआर का इम्पोर्टेंस आता है, ठीक है। अब कैसे इन्फ्लेशन को फाइट करता है सीआरआर, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, ठीक है, दोनों को फाइट करता है। अब सीआरआर हम बोले अभी 4% है, 4% सीआरआर है, मान लीजिए एसबीआई के पास एनडीटीएल था 100 करोड़ रुपया, ठीक है, 100 करोड़ रुपया एनडीटीएल है, सीआरआर है 4%, यानी 4 करोड़ रुपया निकालना पड़ेगा एनडीटीएल से, और डिपॉजिट कहाँ करना पड़ेगा, आरबीआई के अंदर। तो एसबीआई के पास बचा कितना, 96 करोड़ रुपया, जो वो लोन की फॉर्म में घुमा सकता है इकोनॉमी के अंदर, लोन प्रोवाइड करने में ये 96 करोड़ रुपीस यूज़ कर सकता है। नाउ सपोज करते हैं कि देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, ठीक है। जब देश के अंदर महंगाई बढ़ा तो किस कारण से बढ़ा होगा, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी के बढ़ जाने से, यानी कैश का फ्लो इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। इसको एग्जांपल से समझिए, देखिए 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। 5 में से जो ए है और जो बी है वही एक कार खरीदने में सक्षम है, ये लोग कार नहीं खरीद सकते, पैसा ही नहीं है बेचारे के पास, कार नहीं खरीद सकते। लेकिन ए और बी को देख के सी डी ई भी सोचा कि हमको भी कार खरीदना चाहिए, तो ये बैंक गए लोन के लिए, लोन का पता करने गए बैंक के अंदर। तो बैंक बोला कि हम जो कार लोन देंगे वो आपको देंगे, मान लेते हैं 9% पे, ठीक है, 9% पे। तो ये लोग तैयार हो गए खुशी खुशी, ठीक है, तैयार हो गए और लोन लिया और कार ले लिया। तो पहले जो कार का डिमांड 2 था, वो लोन मिल जाने से कार का डिमांड कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। यानी कार का डिमांड जैसे ही बढ़ा इकोनॉमी के अंदर, कंपनी क्या करेगी, कार के दाम को बढ़ाएगी, क्योंकि लोग सक्षम है कार खरीदने में, तो कार के दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। जैसे ही डिमांड बढ़ता है उसी तरह उसके साथ प्राइसेस भी बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल लें, आप लोग छठ के टाइम देखते होंगे कि सब्जी फलों के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय फल का डिमांड अचानक से बढ़ जाता है, और जैसे ही फल का डिमांड अचानक से बढ़ता है, स्कैर्सिटी होता है फल का, और कम फल मिलते हैं मंडी के अंदर, इसलिए उसको ज़्यादा दाम में बेचता है कौन, मंडी के लोग, ठीक है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ता है उसके साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जैसे लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी का इन्फ्लेशन भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ता है। तो देखा कैसे लोन इफेक्ट करता है इकोनॉमी को,
इन्फ्लेशन लाने में कैसे लोन अफेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों बंदा सक्षम थे, बिना लोन के कार खरीद सकते थे, लेकिन जैसे ही इन तीनों को लोन प्रोवाइड किया गया, ये भी सक्षम हो गए कार खरीदने में और इकोनॉमी के अंदर डिमांड को बढ़ा दिए। जैसे ही इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है और आरबीआई का काम क्या है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना, इन्फ्लेशन को रोकना, ठीक है। नाउ आरबीआई क्या करेगी, देखेगी हाँ कि ये तीन बंदा भी कार खरीद लिया, ठीक है, यानी इंटरेस्ट रेट कम था इसलिए खुशी खुशी ये लोग लोन लेके कार खरीद लिया। अब आरबीआई सोचेगी अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें तो लोगों का लोन का डिमांड कम हो जाएगा। सपोज करें अगर यहाँ 9 के जगह 12% होता तो हो सकता था इसमें से दो लोग सोचते नहीं अब लोन नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो कार का डिमांड, ये दो लोग नहीं लेते तो कार का डिमांड कितना रहता है इकोनॉमी के अंदर, तीन, ठीक है। दो लोग तो बच जाते ना क्योंकि वो लोन महंगा है तो नहीं लेंगे। तो इस इंटरेस्ट रेट को आरबीआई किस तरह से अफेक्ट करती है, सीआरआर के मदद से इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़वाती है बैंक से, देखिए बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है। जैसे ये 4% था इंटरेस्ट किसका, सीआरआर का, सीआरआर 4% डिपॉजिट करने बोला गया था आरबीआई के अंदर। अब आरबीआई देख रही है इन्फ्लेशन आ गया मार्केट के अंदर, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लोन ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है बैंक, तो बैंक को रोकना है कि वो लोन ज़्यादा प्रोवाइड ना करे। तो बैंक को सीआरआर के मदद से कैसे रोकेंगे कि वो लोन ज़्यादा ना घुमाए मार्केट के अंदर, देखिए कैसे रोकेंगे। जब सीआरआर 4% था तो 96 करोड़ रुपया था बैंक के पास लोन में घुमाने का। मान लेते हैं सीआरआर कर दिया 8%, तो बैंक के पास कितना बचा अब, 92 करोड़ रुपया। जैसे ही बैंक के पास कम पैसा बचा, लेकिन उनको प्रॉफिट तो उतना ही कमाना है जितना वो 96 करोड़ रुपया में प्रॉफिट कमा रहे थे, 92 करोड़ रुपया जब उनके पास बच रहा है तो प्रॉफिट तो उनको उतना ही कमाना है ना, क्योंकि उनका भी एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके भी अपने खर्चे हैं, तो 92 करोड़ रुपया में से उतना ही प्रॉफिट वो कैसे कमाएंगे, वो कमाते हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। जो पहले 9% इंटरेस्ट रेट ले रहे थे बॉरोवर से, अब 12% कर देंगे, तो 92 करोड़ रुपया के अंदर भी वो उतना ही प्रॉफिट कमा लेंगे। तो जैसे ही यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे ही लोगों का डिमांड कम हो जाएगा फिर लोन का, क्योंकि जब लोन महंगी होती है तो लोग डिमांड नहीं करते ज़्यादा, जब ज़्यादा डिमांड नहीं होगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, जब ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी का लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होगा, जैसे ही लिक्विडिटी इकोनॉमी का कम हुआ इन्फ्लेशन टारगेट हो जाएगा। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी के अंदर, सीआरआर के रेट को आरबीआई क्या करती है, इंक्रीज करती है, लेकिन डिफ्लेशन आता है तो उसका उल्टा करती है, डिफ्लेशन आएगा तो क्या होगा, सीआरआर का रेट और कम कर देगी, 2% कर दी मान लेते हैं, तो जो 96 करोड़ था अब इसके पास बचेगा कितना, 98 करोड़, प्रॉफिट उतना ही कमाना है, तो 9% की जगह बोलेगा और सस्ता लोन ले जाओ, लोन ले जाओ, सस्ता ले जाओ, सस्ता ले जाओ करके इसको कर देगा 7%, क्योंकि 7% करने से भी उसको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। जब 7% करेगा तो लोगों का डिमांड अचानक से बढ़ेगा लोन का, लोगों के पास लिक्विडिटी आएगी और वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर देंगे कहाँ, इकोनॉमी के अंदर चीज़ें खरीदने में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है किसका, सीआरआर का, ठीक है। तो होप करता हूँ ये तीनों बैंकिंग के टर्म आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप लोगों को ये टर्म्स अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन जब भी आए तब वो आप लोगों को मिल जाए, क्लियर है। और ये जो बैंकिंग टर्म्स हैं वो SBI बैंक PO की तैयारी, चाहे RBI की तैयारी, ठीक है, सब में हेल्प करेगी और एक आम नागरिक को भी हेल्प करेगी इकोनॉमिक्स को समझने में, ठीक है। इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली एक वीडियो आएगा जब हम तीन टर्म लेके आएंगे आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स का, ठीक है। फिर तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।